बलरामपुर नगर पालिका परिषद वार्ड सभासद की ताजपोशी की गई, जिसमें धीरेंद्र प्रताप धीरू ने जनता का आभार व्यक्त किया और वहां आए हुए गणमान्य सदस्यों का सम्मान किया। नगर पंचायत तुलसीपुर अध्यक्ष कह कथा फिरोज ने भी अध्यक्ष पद की शपथ ली और तुलसीपुर नगर पंचायत की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम अपने वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जनता ने जो हमें सम्मान दिया है उस सम्मान का निर्वहन करेंगे। भूतपूर्व चेयरमैन स्वर्गीय फिरोज पप्पू के सुपुत्र अदनान अपने पिता को याद कर 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि नगरवासियों के लिए जैसे मेरे पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वैसे ही मैं भी अपने नगरवासियों की सेवा करते करते अगर मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। गैसड़ी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रिंस वर्मा ने भी शपथ ग्रहण की और अपने क्षेत्र की जनता का अभिनंदन किया। नगर पंचायत तुलसीपुर आदर्श नगर पंचायत के चुनाव में हमारी माता जी को 1% बहुमत नगरवासियों ने दिया है, तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और कोशिश यही रहेगी आपके हर सभी लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ। आगे आपकी प्रमुखताएं क्या क्या हैं जी इस बार? जैसे कि नगर पंचायत में इस बार आप लोगों ने पता होगा कि हमारे 9 निर्वाचित क्षेत्र जोड़े गए हैं, परसिमन हुआ है हमारा, तो जो क्षेत्र जोड़े गए हैं भवनियापुर हो गया, पाटन हो गया, कुछ दीवा का हिस्सा, वहाँ पे कार बहुत ही जीरो स्तर के हैं, कहीं कहीं तो खड़ंजा लगा हुआ है, मिट्टी की रोडें बनी हुई है, तो हमारा प्रायोरिटी तो रहेगी कि उन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। साथ ही साथ जो नगर में जो कुछ अधूरे चीज़ें रह गई, कुछ पुरानी बाजार रोड हो गई, ये MDS के आगे वाली रोड हो गई, पुरवा रोड, इन चीज़ों को भी मरम्मत कराया जाए और जो भी कहीं कोई मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, पानी की जो दिक्कत है, जल निकासी की, उन चीज़ों को दूर किया जाए। तुलसीपुर के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर अल्लाह के नाम पर शपथ लेती हूँ कि भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी। मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों को निर्वाहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूं। धन्यवाद। बलरामपुर थाना हरैया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरा माफी निवासी फिरोज पुत्र मुर्तजा ने स्थानीय थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके बड़े पिता मुस्तफा पुत्र स्वर्गीय कासिम उम्र करीब 70 वर्ष मंद बुद्धि के हैं, जो 22 दिन पहले 6 मई को सुबह करीब 10 बजे घर से घूमते हुए कहीं चले गए। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण वापस घर नहीं लौटे। घर वालों ने रिश्तेदार एवं आसपास काफी खोजबीन की लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। बड़के अब्बा हमरे गुम हो गए हैं। का नाम है? मुस्तफा। निवासी गौरा माफी। कितना दिन हो गए गायब हुए? 22 दिन। थाना कौन सा लगता है? हरैया। तो कहीं सूचना दिए गायब होने की गुमशुदा की? हाँ, थाने पे दिए थे। अच्छा, और कोई कार्रवाई इसके अलावा? और ढूंढा रिश्तेदारों में इधर उधर, उनका ना पता लगा। आसपास कहीं और खोजे? हाँ, बहुत ढूंढा उनको, तुलसीपुर, बलरामपुर, कौवापुर, महाराजगंज। उनके परिवार में कितने लोग थे? उनके परिवार में अब हम ही लोग हैं। उनकी ना शादी हुई थी, उनकी मतलब औरत ख़त्म हो गई, वो अकेले थे। उनके नाम से ज़मीन जायदाद है? हाँ, उनके नाम से बस केवल घर घर बना है और 5 बीसवा और है खेत बस। तो उनका मानसिक संतुलन क्या था? उनका खराब था मन बुद्धि के थे। 12 राजस्थान के छिपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में चौथ माता मंदिर के पास सेवा भारती स्कूल के सामने बीचों बीच सड़क पर 2 सांपों के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसे देखने के लिए वहां से गुजरने वाले राहगीरों का तांता लग गया। इतना ही नहीं, एक सांप जान बचाकर पास के नीम के पेड़ पर चढ़ गया। जिसने भी सुना और इस दृश्य को देखा वह दंग रह गया। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद मीणा ने बताया कि चौथ माता मंदिर के पास सेवा भारती स्कूल के सामने सड़क पर 2 सांप लड़ रहे थे कि अचानक एक सांप नीम के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके कारण वहां होकर गुजरने वाले राहगीरों, दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों ने अपना रास्ता बदल लिया। न जाने कब और कौन से समय किसके ऊपर जा गिरे। लंबे समय तक वहां मौजूद लोगों ने सांप को नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन सांप ऊपर चढ़कर पतली पतली टहनियों पर चढ़ गया, जिसके कारण नीचे उतारना मुश्किल था। इस दौरान वहां पर दर्जनों लोग मौजूद रहे।
बुलंदशहर में व्यापारी से धारदार हथियारों के बल पर 3.5 लाख रुपए की लूट। मिठाई व्यापारी दुकान को बंद कर घर लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों ने व्यापारी को आम के बाग में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर व्यापारी पर धारदार हथियार से वार किया। वारसियाना पुलिस वारदात को संदिग्ध मान अपने स्तर से जाँच में जुटी। फिलहाल घायल व्यापारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुलंदशहर की सियाना कोतवाल वाली क्षेत्र के ग्राम मांकड़ी स्थित नहर झाल के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। इटावा जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अयाज अली ने अपने क्लिनिक पर 143 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी गीता तिवारी, आशा रुबिना परवीन एवं आशा डोली कुमारी आदि लोगों का सहयोग रहा। गुना एमपी के मोहनिया ग्राम विजयपुर में 1 से 2 घंटे तक तेज तर्रार हवा, आंधी एवं ओले भी गिरे, जिस कारण लोगों को नुकसान हुआ एवं कई जगह पर पेड़ भी गिरे। सकतपुर में एक ट्रांसफार्मर के साथ कुछ खंभों पर पेड़ गिर जाने से बिजली व्यवस्था बाधित हुई। रुठियाई में भी भारी आंधी बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया, जिसके नीचे मनिहारी की दुकान, चाय का ठेला, 2 लाइट के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी के रुठियाई मंडल के सोशल मीडिया प्रभारी सचिन कुमार मेहर ने बताया कि मनिहारी वाले और चाय के ठेले वाले का नुकसान हो गया है। आसपास के क्षेत्रों में भी पेड़ पौधों के गिर जाने से कई चादरें भी उड़ गई हैं। मैनपुरी कुसमरा के कस्बा मोहल्ला के वार्ड संख्या 3 में ओम प्रकाश माली के यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें औरैया से पधारे आचार्य संदीप दुबे द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कराई जा रही है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक है। आज श्री कृष्ण जन्म की कथा को श्रवण करवाया, जिसमें सैकड़ों भक्त सुनने को पधारे और जन्म उत्सव में बधाई गीत पर प्रसन्न होकर गीत की मधुर ध्वनि पर नृत्य करते नजर आए, जिसमें परीक्षित जोड़े के अतिरिक्त सैकड़ों पुरुष महिलाएं शामिल हुई तथा कथा श्रवण के अलावा आचार्य द्वारा गाए गए भजनों का आनंद लिया। उसके बाद इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र रोहित चंपक प्रजात और इन्हीं के वंश में आगे चल कर के राजा सगर हुए। सगर के अंशमान अंशमान के दिलीप दिलीप के भगीरथ इन्हीं भगीरथ ने स्वर्ग से उतार करके गंगा जी को देखते रहिए। डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।